हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग टेल्स पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान बुनाई लेके आई हूँ। इसके लिए हमने ये बेबी वूल यूज़ किया है और ये 10 नंबर की निडल यूज़ किया है। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 32 फंदे डाला हुआ है और 32 फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधा बुना और एक सिलाई उल्टा बुना है। अब हम बुनाई की फर्स्ट रो बनाते हैं। इसके लिए हम 4 फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा और ये 4 फंदा। 4 फंदा हमने सीधा बुन लिया। धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। अब हमने जो स्लिप किया हुआ फंदा है, इसको, ये वाला फंदा स्लिप किया है, इसको हम लेफ्ट हैंड की सिलाई पे ऐसे ले लेंगे और ये फंदा हम गिरा देंगे। अब ये इसको, ये फंदा जो बुना हुआ है इसको हम इधर लेके आएंगे और ये जो फंदा स्लिप किया हुआ इसको सीधा बुन लेंगे ऐसे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे। अब इसी को हमें पूरी सिलाई में रिपीट करना है। 4 फंदा सीधा बुना, एक फंदा उल्टा बुना, एक फंदा स्लिप किया और इसको ट्विस्ट करके एक फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब देखिए, एक बार और देखिए इस, अब हम ये 4 फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा, दो फंदा, तीन फंदा और ये 4 फंदा। 4 फंदा हमने सीधा बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा स्लिप कर लेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब ये स्लिप किया हुआ फंदा, ये वाला, लेफ्ट हैंड की सिलाई पे ऐसे ले लेंगे और इस फंदे को ऐसे गिरा के ऐसे फिर राइट हैंड की सिलाई पे ऐसे ले लेना है और इसको ऐसे कर लेंगे। अब ये स्लिप किया हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे ऐसे। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी तरफ से, उल्टी तरफ से ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। अब एक फंदा हम उल्टा स्लिप कर लेंगे ऐसे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड की सिलाई से ये पीछे वाला फंदा इस पे ले लेंगे ऐसे, दोनों फंदों को गिरा लेंगे। पहले हम ये फंदा उठा लेंगे पीछे वाला और अब आगे वाला फंदा इस पे ले लेंगे राइट हैंड की सिलाई पे और ये लेफ्ट हैंड वाली फंदा को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब धागा आगे करेंगे, ये 4 फंदे जो उधर से हमने सीधा बुना था, इधर से ये 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब इसी को हमें बार बार रिपीट करना है पूरी सिलाई में। एक बार और देखिए, फिर ये धागा पीछे करेंगे, उधर से ये जो हमने 4 फंदे पे बुनाई बनाया था उसको हम बना रहे हैं। इधर उधर से ये हमने एक फंदा उल्टा बनाया था, इसको हम सीधा बुन लेंगे। धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम ये उल्टा स्लिप कर लेंगे और एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। अब ये दोनों फंदों को हम गिरा देंगे
अब लेफ्ट हैंड की सिलाई पे इसको पहले पीछे वाला फंदा ले लेंगे और राइट हैंड की सिलाई पे ये आगे वाला फंदा ऐसे ले लेंगे और ये लेफ्ट हैंड वाली फंदे को हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर धागा आगे करके चार फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह पूरी सिलाई बना लेंगे। अब हमने ये पूरी उल्टी सिलाई बना लिया। अब सीधी तरफ से, अब ये देखिए ये बीच बीच में ये बुनाई बन रही है। जैसे हमने ये फर्स्ट रो में बनाया उसी तरह अब ये हमें सीधी सिलाई में बनाना है, और जैसे हमने सेकेंड रो में बनाया उल्टी तरफ से उस तरह से हमने उल्टी सिलाई में बनाना है। ये दो सिलाई हमने बनाया है, चार सिलाई इसी तरह और बनाना है। अब ये दो सिलाई हमने बनाया था, चार सिलाई और बना लिया, टोटल ये हमने छः सिलाई बना लिया। छः सिलाइयों की ही ये बुनाई है और फोर के मल्टीपल में ये बुनाई बनती है। अब छः सिलाई बनाने के बाद बुनाई इस तरह से बन के आ जाएगी। अब सेवेंथ रो, सातवीं सिलाई में हम बुनाई को चेंज करेंगे। अब ये जो हमने चार फंदे का बनाया है ये बुनाई, ये इस प्लेन फंदों पे आ जाएगी। जो चार फंदे ये हमने सादे बनाए हैं उस पे ये वाली बुनाई बनाएंगे, और ये जो फंदे हैं ये जो हमने बुनाई बनाया इसको हम चार फंदे सीधा बुनेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब इसको बनाने के लिए, इस बुनाई को यहाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये पहला फंदा सीधा स्लिप कर लेंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। अब ये लेफ्ट हैंड की सिलाई से ये सीधा जो स्लिप किया फंदा उसको इस पे ले लेंगे और ये फंदा गिरा करके और ये घुमा के ऐसे आगे लेके आएंगे और लेफ्ट हैंड वाले फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। अब धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके ये जो बुनाई वाले चार फंदे हैं इसको हम चारों को सीधा बुनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, इन चारों सीधे फंदे पे इस पे हम बुनाई को बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये स्लिप किया हुआ फंदा ये लेफ्ट हैंड की सिलाई पे ले लेंगे और ये फंदा गिरा के ये ऐसे घुमा के आगे लेते आएंगे। अब ये लेफ्ट हैंड की सिलाई वाला फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये चारों फंदे जो बुनाई वाले हैं ये चारों फंदे सीधे बनेंगे। अब इसी तरह से हम पूरे फंदे बना लेंगे, पूरी सीधी सिलाई में इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। ये हमने पूरी सीधी सिलाई बना लिया। अब उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई ये चारों फंदे उधर से सीधे बने थे तो ये चारों फंदे हम उल्टी बना लेंगे। अब धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा हम उल्टा स्लिप कर लेंगे और एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब ये स्लिप किया हुआ फंदा लेफ्ट हैंड की सिलाई से ऐसे गिरा लेंगे फंदे को, लेफ्ट हैंड की सिलाई पे पहले इसको उठा लेंगे, राइट हैंड की सिलाई पे ये आगे वाला फंदा उठाएंगे और अब ये लेफ्ट हैंड वाले फंदे को ऐसे उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे पूरी सिलाई में। ये हमने उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब सीधी सिलाई, अब ये देखिए बुनाई है इस तरह से आएगी चेंज होने के बाद। अब यहाँ पे इस बुनाई पे ये प्लेन फंदे हैं और इस प्लेन फंदों पे ये बुनाई है।
ये हमने दो सिलाई बना लिया है, अब चार सिलाई और बनाएंगे। चार सिलाई बनाने के बाद बुनाई इतनी जो है यहाँ पे आ जाएगी। अब इसी तरह से बुनाई को आगे बनाते हुए रिपीट करते जाएंगे। तो हमने बुनाई को इतना बना दिया। ये बनने के बाद ये देखिए कितनी सुंदर लगती है। ये इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई करें, जेंट्स स्वेटर पे, कार्डिगन पे, ब्लैंकेट पे, आप किसी पे भी बनाइए, बनके ये बहुत सुंदर लगती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।